लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज लाइव। सर, संजय राउत ईडीने ताब्यात घेतलेला आहे, यावर नेमकी तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? संजय राउत साहेबांना जर ईडीने ताब्यात घेतलं असेल तर तो महाभयानक सूडबुद्धीचं राजकारण भारतीय जनता पार्टी करते हे सिद्ध होत आहे। आणि जर असं जर असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील नाही तर संपूर्ण देशातील शिवसैनिक छिंडणार आहे आणि ते काही करू शकतील मग। परंतु या ठिकाणी जर संजय राऊत साहेबांनी केलं असेल तर हे संजय राऊत साहेबांनी सांगितलं मला काही करायचं नाही, मी बाळासाहेबांना सोडणार नाही, उद्धव साहेबांना सोडणार नाही, मी शिवसैनिकच राहणार, कर्मठ शिवसैनिक आहे, त्याची लेखणी पण जबरदस्त आहे। म्हणून असं असेल तर त्या ठिकाणी हे तर आणीबाणी चालली आणली मागे, इंदिराजींनी आणीबाणी आणली होती, त्याच्यानंतर जनता लाट आली, सरकार त्यांचं गेलं, आता यांची त्यावेळेस तरी ठीक होता, इतका काही त्रास झाला नाही, पण आता मात्र इतका त्रास देऊन हटकून त्या ठिकाणी प्रत्येक शिवसेनेच्या नेत्यांना, शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना, आमदारांना, खासदारांना लालूच दाखवायची की तुम्हाला या तुम्हीकडे नाही तर मग तुम्हाला इडी लावू, हे करू, ढोंगीपणा त्या ठिकाणी करायचा। आणि जर असं असेल तर त्या ठिकाणी ठीक नाही, मी तर या ठिकाणी स्पष्ट मी त्यांचा निषेधच व्यक्त करतो, केंद्र सरकारचा मी निषेध व्यक्त करतो की त्यांनी, अरे मोदीजी ज्यादा समय नाही चलेगा अभी, ये ज्यादा समय चलेगा नहीं, बस होगा ना अभी, जब लोगों का काम करो ना, बस इसको 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 उसको इसको ईडी और इसलिए किसके लिए रहता है जो चोरी चपाटी करता है, बिजनेस में करता है, इसमें करता है, उसमें करता है, इसके लिए लगते हैं। लेकिन तुम पॉलिटिकल लीडर्स को सब ये कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर शिवसेना खत्म करनी है, तुमको कभी कभी खत्म नहीं होगी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, धनुष्यवान हमारा ही बांध लग जाएगा फिर, समझे ना? मैं आपको सीधा बोलता हूँ, ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा करने से तुम मतलब आप और ये दोनों भी आज गडकरी जी क्या बोले, गडकरी जी तो आपके खिलाफ गए अभी, वो तो ये बोल रहे ना क्या है करके ऐसे ऐसे राजनीति, मैं तो बोलते ये राजनीति बहुत है, लोगों को मालूम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस पद्धति से राजनीति कर रहे हैं, उनके ही लोगों को ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं चल रहा। और मैं ये कहूंगा कि आज महाराष्ट्र में सब लोगों को ईडी के धाक से 40-50 एमएलए को ले लिया, एमपी लोगों को लिया, एक कितने दिन तक चलेगा? उधर आपके मंत्रियों को किया, उधर ममता जी के मंत्रियों को किया, अभी साउथ में जा रहे हैं, मतलब ये करके आप देश पूरा काबिज करने की सपने देख रहे हैं, लेकिन कभी भी सक्सेस नहीं होंगे आप। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।